सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है मॉर्निंग और मॉर्निंग का हो गया 7:30। और आज का मौसम देखिए फ्रेंड्स, और इतनी ज़्यादा आंधी चल रही है फ्रेंड्स कि मेरे पास आ चुकी हूँ। और देखिए आज की हवा। तो फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है और आज का मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है और काफ़ी ठंड वाली हवा चल रही है। मेरे कान ठंडे हो रहे हैं, मैंने कैप भी नहीं लगाई है। और देखिए आप लोग मेरे ऊपर वाले पेड़ में देखिए, सो आप लोग गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा हवा है। और आप लोग मेरे आँखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, क्योंकि मैं ठीक से फ्रेंड्स देख भी नहीं पा रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा हवा होने के कारण आज बारिश के आसार भी नज़र आएंगे। तो ये किसका पेड़ है और कौन कौन जानता है और ये किस चीज़ का पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ और जूम करके भी दिखाऊंगी। तो पहले देखिए इसका पेड़ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और इसके फल कुछ ऐसे हैं अभी। और उधर भी है फ्रेंड्स, इसके बगल में जस्ट 2-3 पेड़ इधर भी फल लगे हैं ग्रीन ग्रीन से। तो फ्रेंड्स आप लोग गेस करके बताइए कि किस चीज़ का पेड़ है ये। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स शिव भक्त होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा और बेहतरीन मालूम होगा। अभी चलती हूँ मैं साफ़ सफाई के लिए और आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो पर और देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है मेरी साफ सफाई और अब चलते हैं घर ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी बन रहा है मेरे घर में ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में ये क्या है तो फ्रेंड्स, ये है गाजर का हलवा जो मैंने बनाया। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ब्रश करके आते हैं, इसके बाद फिर मस्त खाते हैं। चुका है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मेरे हलवा था गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स ये रहा, आप लोग भी खाइए गाजर का हलवा, गर्मा गर्म गाजर का हलवा। और देखिए फ्रेंड्स, गाजर का हलवा गर्मा गर्म गाजर का हलवा है। और मेरे पीछे का नज़ारा देखिए फ्रेंड्स, खेत के पास ही बैठी हूँ मैं और सामने एकदम खिली सी धूप है और मैं अपने खेतों में इसी मौसम का। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हवा चल रही है और पीछे और पीछे का नज़ारा फ्रेंड्स देखिए कैसा है कि आप लोग तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हवा चल रही है और पीछे और पीछे का नज़ारा फ्रेंड्स देखिए कैसा है। और तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ऐसा सच में खाने में खेत और उनके पास ज़्यादा बहुत खुली हवा में खाने मतलब साफ जगह अपने खेत खलिहान में बैठे खाने का आनंद सौ गुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स मेरा। और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए पीछे का नज़ारा और फिर चलते पानी कैस लग गई मुझे भी। तो फिर चलती हूँ अभी और कुछ काम होंगे फिर काम करूँगी। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी देख कालू, हेलो कालू कालू
फिर से यहाँ बैठा है मेरा कालू और मैं हूँ अपनी छत पे। शाम के बज रहे हैं 4:30। सो फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा और कितना शानदार मौसम है। सुबह तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और हवा भी चल रही थी। फ्रेंड्स, अभी भी हवा चल रही है, आप लोग देख सकते हैं पीछे खेतों में। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गांव का नज़ारा, पूरे हरियाली ही हरियाली। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग में देखो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मेरे छत के नीचे भी खेत ही खेत है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इधर भी देखिए, पूरा हरियाली से भरा हुआ है इस टाइम पे। फ्रेंड्स, हरियाली तो है ही। और देखिए लगे, लेकिन देखिए सरसों का जो फ्लावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा। और देखिए ये वाला खेत जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला खेत, इसमें कितना ज़्यादा और कितना डार्क सरसों है। पर अगर आप आगे देखो तो थोड़ा सा कम कम सा दिख रहा है। सो हो सकता है इसमें ज़्यादा सरसों, जैसे कि मेरे खेत में, ये वाले खेत में है मेरे, तो इस वाले खेत में भी ऐसे ही है, क्योंकि बहुत ही डार्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क। हो सकता है कोई दूसरा सरसों हो इसमें। तो फिर चलते हैं अभी कुछ और काम के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम और शाम के फ्रेंड्स बज रहे हैं 5। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अपनी बगिया, और बगिया में आपको पता है कितने सारे वहाँ पे चीजें खाने की, वहाँ पे बैर भी है, इमली भी है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मस्ती करूँगी, और मेरा भाई भी है आगे और दो पीछे भी आ रहे हैं, और मेरा कालू भी है, खाएंगे बैर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, थोड़ी सी बैर और इमलियाँ खाएंगे। तो फ्रेंड्स, किनको किनको चाहिए कॉमेंट्स में बताइएगा। मेरे हाथ में आके फंसा है, इतना नाला है। सारे बेर, और मेरे पास भी है एक बेर, तो उसको खाकर देखते हैं कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये काफी खट्टा सा लग रहा है, तो आप पीछे भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा बेरी बेर है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग मेरे चारों ओर का नज़ारा देख रहे हैं पहले। तो फ्रेंड्स, जो ये पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे हम कभी कभी पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। और पीछे मेरी इमली जो कि भाई लोग तोड़ेंगे। चलते फ्रेंड्स, अभी पहले इमली खाते हैं। यहाँ पे बैठी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बैठी हूँ और भाई लोग मेरी इंतज़ाम कर रहे हैं इमली तोड़ने की, क्योंकि बहुत ऊपर लगी फ्रेंड्स, तो चढ़ के तोड़ना। तीन जाबाज लगे हुए हैं, अभी एक भी इमली मेरे पास नहीं आई है। तो देखती हूँ भाई, सबसे पहले मुझे इमली कौन सा मेरा भाई तोड़ के देने वाला है आज। सो कम से कम मुझे एक एक इमली तो तीनों से चाहिए। तो देखती हूँ सबसे पहले कौन कामयाब। देखिए मेरे भाई ने अभी तीन। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरे भाई ने इतनी सारी मशक्कत करके मुझे इमली ले आए हैं, तो मेरे लिए इतनी बहुत सारी हो चुकी है। और अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और। यहाँ पे बांस के पत्ते कलेक्ट कर रहे हैं, और मैंने हाथ में ले रखा है इमली, तो मेरे भाई लोग कलेक्ट कर लेंगे। सो देखिए मेरे भाई लोग कैसे, और ये लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे भाई लोग ऐसे हाथ से डायरेक्ट क्यों नहीं उठा रहे हैं पत्तियाँ इसकी बांस के, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है इसके नीचे, जैसे कि जंगली एरिया है, तो फ्रेंड्स हो सकता है कोई जानवर, जीव जंतु तमाम होते हैं, तो
सेफ्टी के लिए फ्रेंड्स ये सो फ्रेंड्स अभी हमने इतने सारे ये बांस की छाल कलेक्ट कर ली है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा टाइम फ्रेंड्स लगा। सो फ्रेंड्स आज इस वाले पेड़ का लास्ट था फ्रेंड्स ये कलेक्ट करने का, इससे हम लोग बहुत दिन तक ले जा चुके थे। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आपके साथ भी क्यों ना शेयर कर दूँ यहाँ के मेरे यहाँ कर दूँ। तो फ्रेंड्स ये आज का कलेक्ट करना पत्ते लास्ट वीडियो थी। और देखिए अभी हो चुकी है शाम और धूप जा चुकी है फ्रेंड्स, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे मेरी वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने इतने सारे ये बांस की छाल कलेक्ट कर ली है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा टाइम फ्रेंड्स लगा। सो फ्रेंड्स आज इस वाले पेड़ का लास्ट था फ्रेंड्स ये कलेक्ट करने का, इससे हम लोग बहुत दिन तक ले जा चुके थे। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आपके साथ भी क्यों ना शेयर कर दूँ यहाँ के मेरे यहाँ कर दूँ। तो फ्रेंड्स ये आज का कलेक्ट करना पत्ते लास्ट वीडियो थी। और देखिए अभी हो चुकी है शाम और धूप जा चुकी है फ्रेंड्स, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे मेरी वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अभी हमने कलेक्ट कर लिए इतने सारे पत्ते और अब चलते हैं फ्रेंड्स इनको छोटे छोटे गट्ठे बना लेते हैं हम लोग, और गट्ठे बनाने के बाद ही हम चलेंगे घर। चलते हैं घर फ्रेंड्स, अब शाम हो चुकी है तो चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आपसे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।